नमस्कार, खबर नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मानव सेवा के कर्तव्य को पूरा करने के लिए खबर नाइन के डायरेक्टर रमेश सिंह तोमर सबसे पहले आगे रहते हैं। कोरोना काल में उन्होंने जन सेवा की मिसाल कायम की। मानव जाति के साथ वानर जाति पर भी करुणा लुटाने में कोई कमी नहीं रखी। जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे वानरों के लिए भोजन लेकर पहुंच जाते हैं। रमेश सिंह तोमर से जब भी पूछा जाए, वह कहते हैं, यह धन दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी, जो हमने पुण्य किए हैं वही हमारे साथ रहेंगे। लिहाजा मैं सदैव पुण्य के मार्ग पर आगे चलता जाता हूँ। अब फिर खबर नाइन की टीम कजलीगढ़ के जंगलों में पहुंची, जहां सैकड़ों बंदरों के साथ खबर नाइन की टीम ने पुण्य कार्य किया, वानरों को भोजन खिलाया। और इस टीम में अखिलेश चौहान, राजेश कुमावत, रमेश सिंह तोमर शामिल रहे, जिन्होंने व्यंजन एवं फल फ्रूट खिलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर नाइन, इंदौर। चल रहा है, हाँ डालो दिए, हाँ चल रहा, बस दूसरा ढेर लगा दो, एक जगह और आगे लगा दो। पैकेट मिल गया, पैकेट बोरी लाऊं क्या नीचे बिछाने? जय श्री राम। अच्छा लगा मेरे को, समस्त इंदौर वासियों से निवेदन करते हैं कि आप आइए, मानव सेवा का सेवा का लाभ लीजिए। आप जरूर से जरूर पधारें एक पिकनिक स्पॉट चंडीगढ़ में। आज हमें इंदौर से 25 किलोमीटर दूर खजलीगढ़ के किले पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी टीम के साथ, और यहाँ पर हम वन्य जीवों की सेवा करते हैं। और आप सभी क्षेत्र के आसपास इंदौर जिले के लोगों से और बाहर के लोगों से निवेदन है, इंदौर से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर पिकनिक के रूप में आप यहाँ आइए। यहाँ एक बहुत ही शानदार भोलेनाथ जी का मंदिर है, जिसमें भगवान भोलेनाथ प्राकृतिक रूप से यहाँ बने हैं। और आप देख सकते हैं, कैमरा थोड़ा सा उस तरफ करेंगे, वहाँ पहाड़ी में भोलेनाथ जी का शिवलिंग बना हुआ है पानी से रिसते हुए। खबर नाइन की टीम समस्त जिले वासियों से अनुरोध करती है, आइए अपने परिवार के साथ आइए, पिकनिक मनाइए। और जो खाद्य सामग्री साथी को फल फ्रूट इस टाइप के आप लाइए, और इन वन्य जीवों को मूक प्राणी को खिलाइए। यहाँ पर लगभग 400 से अधिक वानरों की सेना है, जो आपके दिए हुए दान। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर नाइन में।